Residuary powers, the subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. कुछ ऐसे subjects हैं जो खास तौर पर ना तो union को ना state को allot किए गए हैं, वो आते हैं residuary powers में. Matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. अब वो matters जो कि division of powers से related नहीं है, उसमें नहीं आते, वो आते हैं residuary powers में. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. अब central government के पास ये power है कि वो इन residuary subjects को कर सकती है. The financial distribution of resources is done between union government and state government. Financial distribution है resources का, वो state government और union government के बीच में किया जाता है. Excise and custom, export, import, income tax, all these are major taxes are decided by central government. While sale tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having major financial resources, are decided by state government. तो export import है, excise and custom है, income tax है, ये सब taxes central government से related होते हैं, वो decide करती है. Sale tax, revenue tax, entertainment tax, education tax, ये सब जो है state government करती है. फिर है unified arrangement during crisis. There are three provision for emergencies in Constitution of India. अब तीन प्रावधान किए गए emergencies को लेकर Constitution में. National emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. National emergency घोषित कर दी जाएगी अगर युद्ध का हो जाता है, by chance बाहर से कोई अटैक कर देता है या हथियारों से कोई एक तरह से बलवा हो जाता है. दूसरा है due to law and order breakdown, the state cannot function according to the constitution, so constitutional emergency is declared. अगर by chance law and order खत्म हो गया है, state सही से proper function नहीं कर पा रहा है constitution के according, तो constitutional emergency declare कर दी जाएगी. Due to increase in prices, there is monetary value erosion is that financial emergency is declared. अगर by chance दाम बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से फिर क्या होगा? Financial emergency declare कर दी जाएगी. The central government have been given more powers to deal with these emergencies. Central government के पास ज्यादा power है इन emergencies से deal करने के लिए. At the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. इस time पे अगर ऐसी emergency होती है, तो India जो है वो unitary system में convert हो जाएगी. पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. अब हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट मेन अथॉरिटी होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए. द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज पार्लियामेंट. जो लेजिस्लेचर है यूनियन की वो पार्लियामेंट है. द पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, मींस इट हैज टू हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस. अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा. तो अपर हाउस क्या कहलाता है? राज्यसभा. लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा. दो द गवर्नमेंट इज कैरीड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर इन द स्टेट्स, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन एंड द चीफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट. कहने को गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है यूनियन में और गवर्नर्स के नाम पे स्टेट में, लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं यूनियन उसमें और चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स में. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. अब काउंसिल जो है मिनिस्टर्स की वो जिम्मेदार है लेजिस्लेचर के लिए, क्योंकि वहां पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. द प्रेसिडेंट सेलेक्ट्स 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स फॉर राज्यसभा. वही प्रेसिडेंट 12 लोगों को चुनते हैं जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस हैं अलग अलग फील्ड से राज्यसभा की. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स द सेम नंबर ऑफ मेंबर फॉर इलेक्शन. राज्यसभा एक ऐसा परमानेंट हाउस है जिसमें एक तिहाई मेंबर्स जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और सेम नंबर मेंबर्स जो है रहते हैं इलेक्शन के लिए. दस ईच मेंबर हैज 6 इयर्स ऑफ टेन्योर इन राज्यसभा. तो हर मेंबर की 6 साल की टेन्योर होती है राज्यसभा के अंदर. The powers of Rajya Sabha are less as compared to the Lok Sabha, which is special, superior and decisive. Rajya Sabha ki powers kam hai Lok Sabha ke compare mein, kyunki Lok Sabha ki powers special hoti hai, superior hoti hai aur decision lene wali hoti hai. Rajya Sabha cannot be completely dissolved aur Rajya Sabha ko puri tarah se khatm nahi kiya ja sakta. Independent and impartial judiciary. The constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी संविधान है, में ये मतलब एक तरह से प्रावधान है कि जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से फेयर है और इंडिपेंडेंट है. देयर इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप
Then there are high courts at the states, and under its jurisdiction are the district courts at district level, and at taluka level there are local and special courts. सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं स्टेट्स के, फिर उनके ज्यूरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या तालुका लेवल पे वहाँ पे लोकल या स्पेशल कोर्ट होते हैं. द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन. जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सभी कोर्ट्स जो है नेशन के उनके लिए मान्य होगा. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस द फाइनल डिसीजन इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट. अगर बाई चांस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मतभेद हो जाता है तो जो मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं या जो उनकी व्याख्या है उससे रिलेटेड है तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा. द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही मेन प्रोटेक्टर भी माना गया है और गार्जियन भी माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का. अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. कंपेयर टू द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक. और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत डायनामिक है. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जिस तरीके से हो या जब जरूरत हो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन थ्री वेज. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसमें बदलाव तीन तरीकों से किया जा सकता है. अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट. अगर चेंज करना है तो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट के अंदर उनकी वोटिंग के आधार पर मेजोरिटी के बेसिस पे किया जा सकता है. सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी. अब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें खास मेजोरिटी की जरूरत होती है. दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. लगभग 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स जो वहां पे प्रेजेंट है उनकी और वोटिंग की. तीसरा है कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 एंड द कॉन्करेंस नॉट लेस देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड. अगर यूनियन स्टेट रिलेशंस की बात करें तो जो स्पेशल मेजोरिटी है जो कि 2/3 है वो होनी जरूरी है. साथ ही साथ जो कॉन्फ्रेंस है वो लगभग 50% से कम नहीं होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की. ये बहुत जरूरी होता है. इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ और इन सुप्रीम जुडिशियरी देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कंसेंट. अगर बाय चांस कोई बदलाव लाना है इंटर रिलेशंस में यूनियन के स्टेट के चाहे स्ट्रक्चर में हो या सुप्रीम जुडिशियरी में, तो आधे से ज्यादा स्टेट्स जो हैं उनको हामी भरनी होगी टोटल स्टेट्स में से. जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन आल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. जो जजमेंट है कोर्ट का उसमें भी बदलाव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. That's why the constitution is known as the most inconstant and flexible document. But at certain cases, it is not amendable by simple majority. तो इसीलिए जो हमारा constitution है, क्योंकि यहाँ पर simple majority से parliament में changes किए जा सकते हैं constitution के अंदर, इसी वजह से constitution को सबसे ज़्यादा inconstant है, stable नहीं है, flexible document है, लेकिन कुछ cases ऐसे हैं जिसमें simple majority से बदलाव नहीं किए जा सकते. Without the majority or consent of states, it is not amendable. जब तक states की majority consent शामिल नहीं होगी, उसमें बदलाव नहीं होगा. Then to the mixture of both makes the constitution. और इन्हीं का जो दोनों का mixture है, इससे संविधान बनता है. Universal adult suffrage. In India, we have a system of adult suffrage which is flexible. अब हमारे यहाँ इंडिया में एक system है adult suffrage का, जो flexible है. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard. हमारे यहाँ इंडिया में एक सिस्टम है एडल्ट सफ्रेज का जो काफी फ्लेक्सिबल है. इसके हिसाब से 18 साल की उम्र या उससे जो बड़े हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शंस पार्लियामेंट के हों, लेजिस्लेटिव असेंबली के हों या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के हों, उसमें वोट डाल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे एजुकेशन, प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो. सेक्युलरिज्म. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल. अभी हमने पहले पढ़ा था सेक्युलरिज्म के बारे में प्रीएम्बल में. इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट. अब हमारे संविधान में इंडिया को सेक्युलर स्टेट बताया गया है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रेसाइड इन इंडिया. अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में. देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इसलिए स्टेट कोई भी
भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर। नो सिटीजन कैन गिव स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विद सर्टेन राइट्स। ना तो किसी नागरिक को खास तौर पर अधिकार दिए जाएंगे, ना उनसे किसी खास तरह के अधिकार छीने जाएंगे। द स्टेट हैज टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो जो स्टेट है हमारा वो पूरी तरह से फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए धर्म के मामले में। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन। खाली जो सेक्युलर स्टेट होगा वही प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट दे पाएगा अपने सिटीजन्स को। सेक्युलरिज्म मींस दैट द स्टेट डजंट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन और इज बायस्ड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर में रिलीजन के इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही बायस्ड है किसी स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर। द स्टेट हैज टू बी सेक्युलर एंड इंडिफरेंट। स्टेट को सेक्युलर भी होना है और इंडिफरेंट भी। फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ चॉइस। किसी भी धर्म को मानने वाले पूरी तरह से फ्री हैं कि वो अपने पसंद के धर्म को जो है फॉलो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक माना गया है हमारे संविधान की। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद इन ज्यूरिडिक्शन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हुआ जो भी यूनियन या स्टेट में काम होता है उसको एक ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जो है जज करना। विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड एन एफर्ट टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो ताकत है, जो पावर्स है पार्लियामेंट की, उनको डिसरिस्पेक्ट किए बगैर हमारा जो संविधान है उसने कोशिश करी है कि जो प्रिंसिपल्स है जुडिशियल रिव्यू को उनको भी हार्मोनाइज किया जाए। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस, जुडिशियल जजमेंट आर गिवन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो पार्लियामेंट में बदलाव होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जुडिशियल जजमेंट होते हैं, ये सब जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी इनडिस्क्रिमिनेसी इन द एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस एंड जुडिशियल जजमेंट्स, इट कैन स्टॉप बाय डिक्लेयरिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर बाय चांस कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी एक्सटर्नल ऑर्डर्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, जुडिशियल जजमेंट्स जो है वो सही नहीं है, तो वो उनको रोक सकता है, उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो मूल अधिकार हैं, ये हमारे इंडिया के लोगों को दिए गए हैं संविधान के द्वारा ताकि वो एक इज्जत की जिंदगी जी सकें। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ अवर कंट्री इज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। सबसे ज्यादा मुख्य और वैल्यूएबल कैपिटल जो है हमारी कंट्री की वो है कि हमारी कंट्री का पूरा विकास हो, और ये है सब फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फॉर द चिल्ड्रन 16 to 14 इयर्स ऑफ एज राइट टू एजुकेट आर आल्सो मेड अवेलेबल। जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, या जो बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र में, उनको राइट टू एजुकेट जो है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अवेलेबल है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरीड आउट बाय स्टेट्स। लोगों की सुरक्षा, उनका संविधान और उनकी भलाई, ये सब के काम स्टेट्स को करने होते हैं। दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर स्टेट गवर्नेंसेस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक तरह से ये वो सिद्धांत है जो दिशा देते हैं गवर्नमेंट को स्टेट की, खास तौर से कि वो नीति बनाने में, गवर्नमेंट चलाने में उसको मदद मिले, इसीलिए इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाम दिया गया है। प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स एंड डिप्राइव्ड क्लास इन द मेन स्ट्रीम, देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पिछड़े वर्ग है, ट्राइब्स हों या जो पिछड़ी क्लास के लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं संविधान में। रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इलेक्शन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। कुछ सीट्स रिजर्व करी गई हैं लेजिस्लेचर में और जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उनके जब इलेक्शंस होते हैं उसमें, ताकि ये लोग भी अपने को रिप्रेजेंट कर पाए। रिजर्वेशन कोटा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से रिजर्वेशन कोटा जो है वो भी दिया गया है एडमिशन में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन भी जो है उसको बराबर का मौका मिल सके। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस
and tribes are given scholarships, basic amenities and waived fees, which came under optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitution. अब जो बच्चे होते हैं बैकवर्ड सेक्शंस के या ट्राइब्स के, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं या उनकी फीस माफ कर दी जाती है. ये सब आता है ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज और शील्डिंग पॉलिसीज के अंदर, जिसका प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.